हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि ऑनलाइन स्कैम से बचना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ओटीपी शेयर ना करें, जैसे कि किसी का कॉल आए तो कोई आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, कोई भी ऐसी फालतू लिंक पर क्लिक करके कोई फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुरियर कंपनी के फ्रॉड्स मैंने आपको बताए, मैंने आपको बहुत सारे और दूसरे फ्रॉड्स बताए जहाँ पर कि कोई ऐप इंस्टॉल कराया जाता है आपके मोबाइल में और मोबाइल का एक्सेस ले लिया जाता है, या कोई लोन के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड करता है। तो बहुत सारे आपको मैंने अलग अलग तरीके बताए, लेकिन अभी जो नया और हैरान कर देने वाला मामला है वो वाकई में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पर दिल्ली के एक व्यवसायी, दिल्ली के एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक शमशेर सिंह जी के अकाउंट से 50 लाख रुपए का गबन हो गया। यानी कि जो ये ऑनलाइन स्कैमर्स हैं, इन्होंने 50 लाख रुपए उड़ा दिए, वो भी ब्लैंक कॉल के जरिए और मिस्ड कॉल के जरिए। तो बेहद चौंका देने वाले इस मामले में हुआ कुछ यूं कि नवंबर में, घटना नवंबर की है लेकिन अभी ये नोटिस में आई है, अभी ये सामने आई है, मीडिया में भी उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं और पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन घटना कुछ यूं थी कि नवंबर में शमशेर सिंह जी को लगातार अलग अलग नंबरों से कॉल्स आ रहे थे, उन्होंने कुछ कॉल्स पिक किए। अब सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा है, उनको कॉल्स आ रही है, उन्होंने फ़ोन उठाया और सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, टोटली म्यूट। अब वो कुछ कह रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, एक आदमी ने उनका टाइम लिया, उन्होंने सामने बात करने की कोशिश की, भाई कौन बोल रहा है, बार बार फ़ोन कर रहे हो, उठा रहे हैं, फिर भी कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो उन्होंने उस पर नंबर्स पे भी कॉल करके देखा, नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं, तो लगातार कॉल आती रही। लगभग 1.5 घंटे तक उनको कई कॉल आई और कुछ कॉल्स उन्होंने नहीं उठाई, ये सोच करके कि यार ये तो अभी कोई उठाऊंगा तो सामने वाला कोई बात तो करेगा नहीं, तो कई सारी कॉल मिस्ड हो गई। यानी कि कुछ कॉल्स उन्होंने उठाई, कुछ कॉल्स मिस हो गई, लेकिन सामने वाले से बात नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उनके पास मैसेज आने शुरू हुए कि किसी अकाउंट में 10 लाख रुपए चले गए, किसी अकाउंट में 15 लाख रुपए चले गए, किसी अकाउंट में 20 लाख रुपए चले गए। इस तरह से थोड़े थोड़े करके अलग अलग अकाउंट्स के जरिए उनके कंपनी खाते से 50 लाख रुपए का गबन हो गया। अचानक हुए इस स्कैम के बाद शमशेर सिंह जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये पैसे कैसे चले गए। आखिर ना उन्होंने कोई ओटीपी शेयर की, ना तो कोई उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, ना तो किसी ने बात की, लेकिन अचानक से ये पैसे कैसे कट गए खाते से। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। साइबर सेल के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया ये जामताड़ा गैंग से इंस्पायर्ड एक घटना है, यानी कि जामताड़ा गैंग की जो स्टाइल है काम करने की, उसके जरिए ये फ्रॉड किया गया है, और पुलिस का ऐसा कहना है कि ये सिम स्वैपिंग का मामला हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, ये सिम स्वैपिंग का मामला नहीं है, ये कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का मामला है। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि सिम स्वैपिंग क्या होता है और कॉल फॉरवर्डिंग फ्रॉड्स क्या होते हैं। तो हमारे फ़ोन में एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग। हम कॉल फॉरवर्डिंग या तो एंड्रॉयड या अपने आईफोन में सेटअप कर सकते हैं कि किस स्थिति में हमारा फ़ोन एक दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। मसलन अगर कोई बंदा हमें कॉल कर रहा है हमारे नंबर पे और हमारा फ़ोन अगर स्विच ऑफ है या बिजी है या आउट ऑफ रीच या आउट ऑफ नेटवर्क एरिए में है, तो उस कंडीशन में आप मेरे फ़ोन को एक दूसरे नंबर जो कि मैं यहाँ पर फीड कर रहा हूँ वहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिए। ये इंस्ट्रक्शन आप अपने मोबाइल को देते हैं। फिर क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आया, आपका फ़ोन बार बार बिजी जा रहा है, तो सामने वाले का फ़ोन क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ट हो जाता है और कॉल फॉरवर्ड होकर उस नंबर पर चली जाती है जो आपने ऑलरेडी प्रीसेट किया हुआ है। तो इस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग का पूरा फीचर हमारे हर मोबाइल में होता है, हर बेसिक फ़ोन। आप कोई भी अपना एंड्रॉयड का फ़ोन उठा लीजिए, आईफोन का फ़ोन उठा लीजिए, और एडवांस सेटिंग में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिया होता है। तो अब ये स्कैम कैसे अंजाम दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से कोई आदमी आपके सामने आया और उसने कहा कि भैया मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। वो आपको फ़ोन भी दिखाएगा और अच्छा खासा बंदा आपको दिखेगा, तो आपको उस पर विश्वास हो जाएगा, आपसे बोलेगा कि मैं आपके फ़ोन से सिर्फ एक कॉल करना चाहता हूँ। आपके सामने वो एक नंबर डायल करेगा और वो अपने कान में जब फ़ोन लगाएगा तो हालांकि वहाँ पर मिस्ड कॉल गई है, सामने फ़ोन जा रहा है, कोई उठा नहीं रहा है, लेकिन वो आपसे कहेगा कि भाई वो फ़ोन स्विच ऑफ है जहाँ पर मैं बात कर रहा था। फिर अगला कदम क्या है कि मैं अब दूसरा नंबर डायल कर लेता हूँ। आप भी कहोगे कोई बात नहीं, ठीक है, आपने फ़ोन दिया ही उसके हाथ में तो ऑब्वियसली वो डायल कर ही सकता है। अब वो क्या करता है कि *21# करके और फिर वो नंबर डायल करता है जहाँ पर कि वो कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहता है। जी हाँ, आप दो तरीके से सेटअप कर सकते हैं, या तो आप *21# से
या फिर आप अपने जो एडवांस सेटिंग में जाकर वहां पर जाकर के भी आप सेटिंग कर सकते हैं आपको ये कॉल कहां फॉरवर्ड करनी है। तो जो स्कैमर होता है वो आपकी आंखों के सामने आपके फोन को कंडीशनली या अनकंडीशनली फॉरवर्ड कर देता है कि अगर ये फोन बिजी है उस कंडीशन में आने वाले कॉल को इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। फिर वो कहता है कि भैया ये नंबर भी बंद है, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका मैंने समय ख़राब किया, आपको वो फ़ोन देता है और चला जाता है। अब आपको पता नहीं है कि आपका फ़ोन ऑलरेडी फॉरवर्डिंग में सेट हो चुका है। अब आपके साथ स्कैम ज़रूरी नहीं कि तुरंत हो जाए, हो सकता है ये घटना अभी अंजाम दी गई हो और उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आपके साथ स्कैम करे। स्कैम कैसे करेगा? पहली बार में जो उसने कॉल किया था उससे उसने आपका नंबर लिया, ठीक है, आप अनजान आदमी थे। ऐसा वो बाजार में घूमते हुए हर किसी के साथ कर रहा है, सबसे कह रहा है कि सर प्लीज मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मुझे बात करनी है। अब उसने एक दिन में 100 ऐसे नंबर कलेक्ट किए। अब आमतौर पे क्या होता है कि हमारे नंबर्स हमारे बैंक से कनेक्टेड होते हैं, हमारे आधार कार्ड से कनेक्टेड होते हैं, हमारे लगभग सभी डॉक्यूमेंट से, अब फोन नंबर तो अब ऑलरेडी एसोसिएटेड है ही, तो उनके पास कुछ टूल्स होते हैं क्योंकि फ्रॉडस्टर्स हैं, आपको बताया मैंने, वो ये जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इस नंबर से कौन सा आधार कार्ड या कौन सा बैंक अकाउंट एसोसिएटेड है। अब जो बैंक अकाउंट एसोसिएटेड है अब उसको ट्रांजेक्शन करनी है, फिर ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए ओटीपी, ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। अब ओटीपी दो तरीके से आता है, या तो मैसेज के थ्रू आता है या फिर कॉल के थ्रू आता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही उनको ओटीपी की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो आपको कॉल करते हैं। जब उन्होंने आपको कॉल किया तो आपका नंबर बिजी जा रहा है, उसके बाद उन्होंने वहाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया कि कॉल पर मुझे ओटीपी चाहिए। अब कॉल पर ओटीपी जब आती है तो जो कॉल आ रही है उसको ये पता चला कि आपका फ़ोन बिजी है, और आपके फ़ोन में क्या सेटअप है कि अगर मेरा फ़ोन बिजी है तो ये फ़ोन कहाँ पर फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, इस नंबर पे, और वो नंबर किसका है, स्कैमर का है। तो स्कैमर भाई साहब को जो है वो नंबर मिल जाता है ओटीपी जो उसको चाहिए और वो ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो ये भी एक स्कैम है जिससे बच के रहना है। तो हमेशा आप अगर किसी अनजान व्यक्ति को अपना फ़ोन देते हैं तो कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन चेक करते रहें, यही एक उपाय है इससे बचने का, और कोई उपाय नहीं है। उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पैसा बचना, आपका ऑनलाइन स्कैम से बचना। तो इसलिए सतर्क रहिए और ये अवेयरनेस अपने दोस्तों तक फैलाते रहिए। और आपने ये पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।